हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनी मिश्रा स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य की ओर में। देखिए, बहुत बुरी खबर है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। जो भी मेंस देने वाले स्टूडेंट थे, किस प्रकार से उन लोगों ने पेपर, दूसरी पाली का पेपर इन्होंने पहले ही पेपर को दे दिया, जिससे कि वो एकदम से शेड्यूल ही गड़बड़ हो गया और बहुत सारे छात्रों ने ही एक तरीके से वॉकआउट कर दिया, एग्ज़ाम का बहिष्कार किया। तो आप लोग आयोग लेकिन फिर भी मानने को तैयार नहीं है। वो पूरी परीक्षा निरस्त नहीं करने की बात करते हुए कहता है कि नहीं, जिस पेपर में ऐसा या जिन स्टूडेंट के 1300 समथिंग स्टूडेंट के साथ ऐसा हुआ है, मैं उसी एग्ज़ाम को फिर से लूँगा, लेकिन और जो होगा एग्ज़ाम वो अपने निर्धारित डेट पर ही होगा। तो देखिए, अब स्थिति बहुत ही ऐसी बन चुकी है कि आयोग के सामने कोई आप धरना प्रदर्शन करिए या शासन प्रशासन से उम्मीद करिए, वो लाठी चार्ज करवा देता, कुछ भी होता है। लेकिन अब स्टूडेंट को एक तरीके से इससे सीख लेनी चाहिए। अब आप लोग को इतनी अच्छी तैयारी करनी है कि किसी प्रकार से यह ना हो कि आयोग के सामने आपको खड़ा हो करके धरना प्रदर्शन की वो हो, ठीक है, समय आए। क्योंकि देखिए, मैं तो फिर भी कहूँगी कि जो पढ़ने वाले स्टूडेंट थे उन्होंने एग्ज़ाम दिया, तो नो डाउट कोई वो नहीं है, क्योंकि आज समय ही ऐसा है। क्योंकि आप एक प्रतिष्ठित जॉब में जब तक वहाँ नहीं पहुँच जाते हैं, तब तक आप बाहर खड़े होकर के खूब चिल्लाइए, कुछ होने वाला नहीं है। इसी जगह पे अगर इसका प्रभाव तब पड़ता जो स्टूडेंट सेलेक्ट हो चुके हैं, चाहे वो PCS अधिकारी बन चुके हों या IAS अधिकारी बने, वो अगर सामने आते तो इस जो आंदोलन है इसका कुछ दूसरा ही मतलब कि रूप होता। लेकिन वो स्टूडेंट अपना निकल चुके हैं, उनको इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए मैं आप लोगों से कहती हूँ, धरना प्रदर्शन करना है तो पहले अपने आप को आप प्रूफ कीजिए, ठीक है, उसके बाद ही ऐसी स्थिति आए तो आप वहाँ सामने आ सकते हैं। इसके लिए ऐसा नहीं है कि अब जो आप लोगों को लग रहा है कि पेपर आउट हो गया या सब न्यूज़ चैनल में आ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भ्रष्ट हो चुका है, अब कोई फ्रेश एग्ज़ाम नहीं होता, 50 लाख के में अधिकारी बिकते हैं, ये वो, आप लोगों को बिल्कुल इन सब पे विचार नहीं करना है, ना ही इस प्रकार की मतलब कि र्यूमर से आपको प्रभावित होना है, ठीक है। एग्ज़ाम अगर 100 सीटें हैं तो उसमें से 75% जो होंगे स्टूडेंट जो होते हैं उनका फ्रेश सिलेक्शन ही होता है, 25% ही इस टाइप की होती हैं। तो आप अपने आप को अच्छे में समझिए, पढ़ाई करके सेलेक्ट हो जाइए, उसके बाद आप उन छात्रों के साथ आइए तो उनको एक मोटिवेशन मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। पहले अपने आप को प्रूफ कीजिए। प्रूफ करने का तरीका क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा आप मेहनत करके 1 साल 2 साल के अंदर जब भी रिजल्ट आता है अपने आप को वहाँ पर वो कर लीजिए, ठीक है। तो इसके लिए आपको पढ़ना होगा। आप घर में बैठ करके जो भी स्टूडेंट वहाँ उनका मेंस था वो दे रहे हैं, उनका पेपर ख़राब हुआ, तो उनको उम्मीद है कि आगे हम इसमें नहीं हो पाएंगे, इसलिए उन्होंने प्रदर्शन किया, आंदोलन किया, वो ठीक है। लेकिन आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है और आप पढ़ाई करिए, 2018 अच्छे से आपको प्री दीजिए, मेंस दीजिए और सेलेक्ट होइए। सेलेक्ट होने के बाद आप अपने जो भी भाई बंधु उनको सपोर्ट करेंगे, लेकिन पहले नहीं। मैं आपसे कभी नहीं कहूँगी कि पहले ये सब करिए, ठीक है। चलिए आइए हम लोग फिर से 50 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 50 क्वेश्चन में कल हमने देखे, ये 7वां सेट होगा। पहला सेट हमने 50 क्वेश्चन देखा था, कल हमने 50 मतलब कि 51 से 100 तक पढ़ा था, आज 101 से लेकर के हम लोग 150 तक पढ़ते हैं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, अनहिलाइजेशन ऑफ कास्ट के लेखक कौन है? अनहिलाइजेशन क्या ऑफ कास्ट के लेखक कौन है, ठीक है। तो देखिए, इसके लेखक ज्योतिबा राव फूले, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, कांसीराम या फिर राजा राम मोहन रॉय, कौन है? तो राइट आंसर यहाँ पे अपने आंसर चूज कर लीजिए। ये सब सारे क्वेश्चन जो है किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की पुस्तक है, ठीक है। अनहिलेशन ऑफ कास्ट किसकी पुस्तक है? डॉक्टर B.R. अंबेडकर की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संदर्भ में शासन में पितृ सत्तात्मक दृष्टिकोण निम्नलिखित में से किससे प्रायः संबंधित माना जाता है? भारत के संदर्भ में शासन में पितृ सत्तात्मक दृष्टिकोण निम्नलिखित में से किससे प्रायः संबंधित माना जाता है? थॉमस मुनरो, चार्ल्स ग्रांट, हॉर्ट मैकेंजी या फिर डॉक्टर मैकाले के उससे, आंसर अपने चूज कर लीजिए। तो देखिए, भारत के संदर्भ में शासन में प्रतिसत्तात्मक दृष्टिकोण निम्नलिखित में से जो माना जाता है वो है इसमें से थॉमस मुनरो से, ए आंसर राइट है।
देखिए, वारिन घोष निम्नलिखित में से किससे जुड़े थे? साधना समाज, अनुशीलन समिति, अभिनव भारत या फिर स्वदेश बांधव समिति? वारिन घोष जो है निम्नलिखित में से किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? साधना समाज, अनुशीलन समिति, अभिनव भारत या फिर स्वदेश बांधव समिति? आंसर चूज करिए अपने। तो देखिए, वारिन घोष जो थे इसमें से निम्नलिखित में से अनुशीलन समिति से जुड़े हुए थे। किससे? अनुशीलन समिति से जुड़े हुए थे। ठीक है, देखिए, ये जो ये था, इसका गठन जो है 1907 में किया गया था। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा कि ये अनुशीलन समिति का गठन जो था वारिन घोष और भूपेन्द्र नाथ दत्त के सहयोग से 1907 में कलकत्ता में किया गया था। और देखिए, इसका मुख्य उद्देश्य, अगर बाई चांस कभी पूछ लेता है, तो इसका मुख्य उद्देश्य था खून के बदले खून। ठीक है, तो वारिन घोष और भूपेन्द्र नाथ दत्त के सहयोग से 1907 में अनुशीलन समिति का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट अवस्थित है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट कहाँ अवस्थित है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है। तो देख लीजिए, नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, तिरुवनंतपुरम। आंसर चूज करिए। इंडियन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एनवायरनमेंट अवस्थित है नई दिल्ली, मुंबई में, कोलकाता या फिर तिरुवनंतपुरम में। तो देखिए, राइट आंसर जो होगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एनवायरनमेंट अवस्थित है ए, नई दिल्ली में। ठीक है, ए आंसर यहाँ पे राइट है, नई दिल्ली में। निम्नलिखित मानकों में से किसने, सॉरी, निम्नलिखित मानकों में से हरिकेन द्वारा क्षति के मापन के लिए किसका उपयोग, चक्रवात है हरिकेन यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित मानकों में से हरिकेन द्वारा क्षति के रूप में, क्षति के मापन के लिए किसका उपयोग किया जाता है? साफिर सिम्पसन मापक, मरकैली मापन, फ्यूजिटा मापन या फिर रिचर मापक के रूप में? आंसर अपने देख लीजिए, ये भी प्रश्न पूछा ही गया है। तो देखिए, राइट आंसर जो होगा आपका, साफिर सिम्पसन मापक। ठीक है, साफिर सिम्पसन मापक मतलब कि हरिकेन चक्रवात है, चक्रवात के मापन के लिए किसका उपयोग किया जाता है? साफिर सिम्पसन मापक। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी नहीं है? यहाँ पे नहीं की बात की जा रही है, वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी नहीं है। मीथेन, जलवाष्प, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड? आंसर अपने चूज कीजिए। तो देखिए, राइट आंसर यहाँ पे होगा, इसमें से जो वैश्विक मापन के लिए, सॉरी, हाँ, वैश्विक ऊष्मन के लिए जो उत्तरदायी गैस नहीं है, वो है राइट आंसर में आर्गन। ठीक है, आर्गन क्या ये वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी नहीं है, जबकि मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प और मीथेन तो है ही, आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, तो सी आंसर यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी सम्मेलन +5 आयोजित हुआ था, पृथ्वी सम्मेलन। ठीक है, ये +5 आयोजित कब हुआ था? 2005 में, 2000 में, 1999, 1997 में, पृथ्वी सम्मेलन। ठीक है, +5 आयोजित हुआ था, +5 इसमें 5 देशों का समूह है, पृथ्वी सम्मेलन +5 आयोजित हुआ था 2005, 2000 में, 1999, 1997 में। आंसर अपने देखिए। तो देखिए, राइट आंसर होगा, पृथ्वी सम्मेलन +5 जो आयोजित हुआ था 1997 में। ठीक है, डी आंसर यहाँ पे राइट है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के 8 मिशनों में शामिल नहीं है? देखिए, इसमें से आपको बताना है कि भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के 8 मिशन जो है उसमें यह शामिल नहीं है। सौर शक्ति, वनीकरण, नाभिकीय शक्ति या अपशिष्ट से ऊर्जा परिवर्तन, इसमें से क्या शामिल नहीं किया गया है? देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक भारत जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के 8 मिशनों में शामिल नहीं है? सौर शक्ति, वनीकरण, ठीक है, अपशिष्ट से ऊर्जा परिवर्तन। तो देखिए, इसमें राइट आंसर जो होगा कि इसमें शामिल नहीं किया गया है, वो होगा आपका नाभिकीय शक्ति। इसमें नाभिकीय शक्ति को शामिल नहीं किया गया है। 8 जो इसमें मिशन है उसको आप लिख सकते हैं, मैं बता दे रही हूँ कि जो राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के अंतर्गत 8 मिशन इसमें शामिल किए गए हैं, उसमें क्या क्या है आप लोग लिख लीजिए। बाई चांस अगर ये ऑप्शन ना दे करके पूछता है तो आप हो जाएंगे, तो लिख लीजिए, राष्ट्रीय सौर मिशन, राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा बचत मिशन, राष्ट्रीय सतत पर्यावरण मिशन, चौथा होगा राष्ट्रीय जल मिशन, राष्ट्रीय हिमालयी पारी प्रणाली परीक्षण मिशन, छठवां होगा आपका राष्ट्रीय हरित भारत मिशन,
सातवां राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन और आठवां राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्यनीति ज्ञान मिशन। ठीक है, अब इससे स्पष्ट हो जाता है कि आपका नाभिकीय शक्ति जो है वह उसमें शामिल नहीं है। ठीक है, तो आपका आप आठों लिख लीजिएगा, नहीं है तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं फिर इसको बता दूंगी, वैसे आप लोग ढूंढेंगे तो मिल भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। निम्नलिखित देशों में से किसमें निम्नलिखित देशों में से किसमें कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 70% भाग पर वन मतलब कि बनाए रखने का संवैधानिक प्रावधान है? कौन सा ऐसा देश है जहाँ पे मतलब कुल क्षेत्रफल का लगभग 70% भाग पर वन बनाए रखने के लिए उसमें संविधान में उल्लेख किया गया? मालदीव, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान। आंसर अपने देखिए कि कौन सा ऐसा देश है, ये 2016 का प्रश्न था। तो देखिए राइट आंसर जो होगा यहाँ पे, राइट आंसर होगा, आंसर चूज कर लीजिए, भूटान। ठीक है, भूटान में के संविधान में कहा गया है कि कुल क्षेत्रफल का 70% भाग पर वन होना चाहिए। ठीक है, भूटान यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च, 23 मार्च, 24 मार्च, 26 मार्च। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च, 23 मार्च, 24 मार्च, 26 मार्च। देखिए विश्व जल दिवस जो मनाया जाता है, 2015 में यह प्रश्न पूछा गया था, विश्व जल दिवस तो होगा 22 मार्च को। ठीक है, विश्व जल दिवस किस दिन मनाया जाता है? 22 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाती है? निम्नलिखित में कौन सी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाती है? इकोक्लाइन, हेलोक्लाइन, पिक्नोक्लाइन या थर्मोक्लाइन। यहाँ पे आपको बताएं जल निकाय घनत्व प्रवणता को, जल में घनत्व को बताता है, किसके माध्यम से पता चलेगा? ठीक है, आंसर अपने चूज करिए कि घनत्व निम्न जल निकाय मतलब कि निम्न में से जो जल निकाय में घनत्व प्रवणता को बताता है उसमें कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो पिक्नोलाइन है वह किसी भी जल में जो होता है घनत्व प्रवणता को बताता है। ठीक है, और एक बात जान लीजिएगा, जो यहाँ पे दिया हुआ है हेलोक्लाइन, हेलोक्लाइन जो होता है जल निकाय में लवणता को बताता है। ठीक है, लवणता को बताने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? हेलोक्लाइन का। और थर्मोक्लाइन जो है वो किसी जल या वायु में ही निकाय जो गहराई के साथ तीव्र तापमान परिवर्तित होता है उसको बताता है। ठीक है, थर्मोक्लाइन। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, घनत्व प्रवणता को दर्शाता किसे है? पिक्नोक्लाइन से। निम्नलिखित में से आपको बताना है कौन एक भारत को बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट नहीं है? बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट नहीं है हिमालय, उत्तर पूर्वी भारत, पश्चिमी घाट या फिर विंध्य। देखिए यहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट नहीं है इसमें राइट आंसर होगा, आंसर चूज करिए, आंसर यहाँ पे राइट होगा विंध्य क्षेत्र। ठीक है, विंध्य क्षेत्र जो है इसमें शामिल नहीं है बायोडाइवर्सिटी के अंतर्गत, जबकि हिमालय, उत्तर पूर्वी भारत और पश्चिमी घाट इसमें शामिल हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन एक जैविक अनुक्रम की प्रावस्थाओं का सही क्रम है? यहाँ बताना है जैविक अनुक्रमण की प्रावस्थाओं के बारे में कि देखिए ये भी 2016 में प्रश्न पूछा गया था कि कौन सा जैविक अनुक्रमण की प्रावस्थाओं का सही क्रम बताना है कि कौन कौन सा होगा, आंसर अपने चूज कर लीजिए। तो राइट आंसर यहाँ पे होगा ए। ठीक है, नगरीकरण, प्रवास, आस्थापन, प्रतिक्रिया और स्थिरीकरण। ठीक है, यहाँ पे जैविक अनुक्रमण की प्रावस्थाओं का सही वो होगा निम्नीकरण होना चाहिए, यहाँ पे नगरीकरण लिखा है, होगा निम्नीकरण, प्रवास, आस्थापन, प्रतिक्रिया और स्थिरीकरण। ठीक है, ए आंसर राइट होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जापान का सबसे व्यस्ततम समुद्र पत्तन है? यह भी 2016 में प्रश्न पूछा गया था पीसीएस में। निम्न में से कौन सा जापान का सबसे व्यस्ततम समुद्र पत्तन है? याकोहोमा और हिटाची, हिरोशिमा या कागोशिमा। आंसर अपने देखिए, तो राइट आंसर होगा जो जापान का सबसे व्यस्ततम समुद्र पत्तन है वो है हिरोशिमा। ठीक है, जापान का सबसे व्यस्ततम समुद्र पत्तन कौन सा है? हिरोशिमा है। ठीक है, बी आंसर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चीसा पानी गार्ज कहाँ पर अवस्थित है? चीसा पानी गार्ज जो है वो कहाँ पर अवस्थित है? आंसर देख लीजिए, चीसा पानी गार्ज कहाँ पर अवस्थित है? ठीक है,
चीसा पानी गार्ज कहाँ पर अवस्थित है? तो राइट आंसर जो होगा, चीसा पानी गार्ज जो है वो है नेपाल देश में, ठीक है, नेपाल में अवस्थित। चीसा पानी गार्ज कहाँ पर है? नेपाल में अवस्थित है, ठीक है। आप बताइए, निम्नलिखित में से किस समूह को, द्वीप समूह को शिप द्वीप के नाम से भी जाना जाता है? निम्न में से किस द्वीप समूह को शिप द्वीप के नाम से भी जाना जाता है? कनारी द्वीप, मदीरा द्वीप, फरो द्वीप या वेलिंगटन द्वीप, वेलिंगटन होना चाहिए, ठीक है। आपको बताना शिप द्वीप किस द्वीप को शिप द्वीप के नाम से भी जाना जाता है? तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर जो होगा, फरो द्वीप को, सी आंसर राइट है, फरो द्वीप को शिप द्वीप भी कहा जाता है, ठीक है। स्मार्ट सिटीज मिशन में जल तथा मल जल सीवेज का वित्त पोषण जिस राजस्व से होगा वह है? मनोरंजन कर, चुंगी तथा प्रवेश कर, शिक्षा कर या संपत्ति कर, ठीक है। देखिए राइट आंसर इसमें से क्या होगा, देखिए कि मनोरंजन कर या स्मार्ट सिटी मिशन में जल तथा मल जल सीवेज का वित्त पोषण जिस राजस्व से होगा, उसका मतलब किस राजस्व से होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ स्मार्ट सिटी जो मिशन में जल तथा मलजल का वित्त पोषण होगा वो संपत्ति कर से किया जाना प्रस्तावित किया गया, संपत्ति कर से किया जाना प्रस्तावित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है? निम्न देखिए इस प्रकार अभी मेंस में भी ये प्रश्न इसी प्रकार से पूछ लिया गया कि निम्न में से कौन सी सबसे बड़ी मोबाइल टेलीकॉम कंपनी है, उसी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप लोग एकदम तैयार रखिए। ये इस टाइप का जो भी प्रश्न का तरीका पूछने का है उसी के अकॉर्डिंग तैयारी भी अपनी बदलनी चाहिए, ठीक है। तो ये बताइए कि निम्न में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है? फ्लिपकार्ट, जबांग, एम जंक्शन या फिर भारतीय एयरटेल? आपको बताना है इनमें से कौन सी कंपनी है जो कि सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है। देखिए तो राइट आंसर जो होगा, अगर वर्ष 2001 में देख के अनुसार देखें, टाटा स्टील एंड सेल जो है कि मतलब कि टाटा स्टील एंड सेल्स की बात की जाएगी, तो मतलब ऐसे तो जो है राइट आंसर इसमें होगा एम जंक्शन। भारत की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी जो है एम जंक्शन कंपनी है, ठीक है। लेकिन ये किसके द्वारा स्थापित की गई है इसके बारे में आप जान लीजिए। ये वर्ष 2001 में क्या हुआ था, टाटा स्टील और सेल के साथ संयुक्त उद्यम करके 50-50 का इन्होंने करके इस कंपनी का स्थापना की गई थी, ठीक है। किसके साथ? टाटा स्टील के साथ, और सेल कंपनी ने 50-50 अपने उसका प्रतिशत का कर वो लगा करके इसमें दोनों का शेयर कितना है, 50-50 है, ठीक है। ई कॉमर्स कंपनी इसको एम जंक्शन को भारत में सबसे स्थापित किया गया, और यह कंपनी जो है भारत की सबसे बड़ी समय ई कॉमर्स कंपनी बन गई है, ठीक है। कम से कम इसका अगर देखेंगे ना कि पूरा कारोबार जो है उम्मीद लगाई जा रही है कि 2020 तक लगभग 35,000 करोड़ रुपये हो जाएगा, ठीक है। और एक बार जान लीजिएगा जो ये कंपनी है यह स्टील का व्यापार मतलब कि ई व्यापार करती है, ठीक है। चलिए, भारत में अधिकांश लोहा और अलौह खनिज निम्नलिखित में से भौमिकीय शिला क्रमों में से किससे प्राप्त करते हैं? आपको बताना है कि इसमें से कौन सी चट्टान है जिससे हम भारत का सर्वाधिक जो लौह और अलौह धातुओं का वो करते हैं, उत्खनन करते हैं? विंध्य क्रम, धारवाड़, गोंडवाना या टर्सियरी? तो देखिए राइट आंसर जो होगा, अपने आंसर चूज करिए, राइट आंसर जो होगा बी, धारवाड़ क्रम की चट्टानों से सर्वाधिक जो लौह तथा अलौह खनिज धारवाड़ के भौमिकीय शिलाक्रमों से ही प्राप्त करते हैं, ठीक है। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी मालदीव के साथ भारत की समुद्री सीमा बनाता है? इसमें से आपको बताना है कि निम्न में से कौन भारत मालदीव के साथ भारत समुद्री सीमा बनाता है, ठीक है। ग्रेट चैनल, कोको चैनल, 8 डिग्री चैनल या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो मालदीव की बात की जा रही है यहाँ पे। मालदीव जो होगा आपका, देखिए यहाँ पे तो राइट आंसर होगा 8 डिग्री चैनल जो है उस मालदीव के साथ सीमा बनाता है। एक बात जान लीजिएगा कि 8 डिग्री चैनल जो है ये मतलब भारत की जो मिनिकाय है और मालदीव के एक वो है जिला है मलिकू कांडू के नाम से भी जाना जाता है, उससे ये टच करता है, ठीक है। तो यहाँ पे 8 डिग्री चैनल
है राइट आंसर। देखिए यहाँ पे मुंबई को भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है, यह सही है क्योंकि मुंबई भारत की वित्तीय राजधानी राइट है। 2011 की जनगणना के अनुसार यह भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला महानगर है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला महानगर आप बताइए कौन सा है भारत में, ठीक है। ये 121 का आप देखिए कि मुंबई को भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत सबसे अधिक जनसंख्या वाला यहाँ पे महानगर की बात की जा रही है। अगर सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य की बात की जाएगी तो उत्तर प्रदेश होगा, लेकिन यहाँ महानगर में राइट है यहाँ पे कि मुंबई को उत्तर 2011 के अनुसार मुंबई भारत की सबसे अधिक जनसंख्या वाला महानगर था, यह भी राइट है। लेकिन देखिए दोनों एक दूसरे का कथन कारण स्पष्ट नहीं कर रहे हैं। मुंबई भारत की वित्तीय राजधानी है, यह भी सही है, और 2011 के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला महानगर भी यह था, यह भी सही है, लेकिन एक दूसरे की यह व्याख्या नहीं कर रहे हैं। इसलिए बी आंसर राइट होगा, ए आर सही है, लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के निम्नलिखित नगरों में से कौन कर्क रेखा के सबसे नज़दीक है? अगरतला, इम्फाल, रायपुर, आइजोल। निम्न में से कौन कर्क रेखा के सबसे नज़दीक है? देखिए सबसे बड़ी चीज़, एक प्रश्न पूछा जाता है कि कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, यह भी प्रश्न पूछा जाता है, कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो अगर आप लोगों को याद है तो ठीक है, नहीं तो लिख लीजिए आप लोग कि कर्क रेखा कितने राज्यों से, पहली बात तो जान लीजिएगा कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से गुजरती है। तो देखिए उसमें अगर लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ठीक है, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा, मिजोरम, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है, पूरे 8 राज्य हो जाएंगे, ठीक है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है, टोटल 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा जो शहर है यहाँ पे वह कर्क रेखा के सबसे नज़दीक है, आंसर अपने चूज कर लीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा, सबसे अधिक जो नज़दीक है यहाँ पे कर्क रेखा के, वह आपका हो जाएगा आइजोल, ठीक है, आइजोल यहाँ पे कर्क रेखा के, अगरतला, इम्फाल, रायपुर, आइजोल में से सबसे नज़दीक कौन सा है, आइजोल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है, कोयला खदान और राज्य, जयंती, विश्रामपुर, तलचर, रानीगंज, ठीक है, कौन सा सुमेलित इसमें से नहीं है, देखिए आंसर अपने देखिए। तो राइट आंसर यहाँ पे होगा जयंती झारखंड, तलचर उड़ीसा, रानीगंज पश्चिम बंगाल राइट है, लेकिन विश्रामपुर यहाँ पे गलत सुमेलित है, मध्य प्रदेश जबकि छत्तीसगढ़ में है, ठीक है, तो जयंती झारखंड, तलचर उड़ीसा, रानीगंज पश्चिम बंगाल, ये राइट है, विश्रामपुर गलत सुमेलित, बी आंसर यहाँ पे गलत सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है, आम की बौछार केरल, काल बैसाखी राजस्थान, लू हरियाणा, मंजरी बौछारें कर्नाटक, कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, देखिए यहाँ पे राइट आंसर जो होगा, जो सही सुमेलित नहीं है, और तो है लेकिन यहाँ पे काल बैसाखी जो है राजस्थान दिया, जबकि ये पश्चिम बंगाल में इसे काल बैसाखी कहा जाता है, ठीक है, तो ये जान लीजिए किसके लिए है, ये पहले आप जानिए, ये जो मानसून के पहले बारिश का नाम है, ठीक है, जो आम की बौछार, काल बैसाखी, मंजरी, ये बौछारें, ये सभी क्या है, मानसून पूर्व की बारिश का नाम है। काल बैसाखी जो है मानसून, वो पश्चिम बंगाल से संबंधित है, ठीक है, और सब सही सुमेलित है, मानसून की पूर्व बौछारों से संबंधित है, इसलिए इसको इन राज्यों में इन नामों से जाना जाता है। आम की बौछारें कहाँ पे, केरल, काल बैसाखी पश्चिम बंगाल, लू हरियाणा में, वैसे उत्तर प्रदेश में भी लू ही कहा जाता है, और मंजरी जो है आपका कर्नाटक, ठीक है, राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला भरमौर जनजाति का निवास स्थान है, चंबा, कांगड़ा, सिरमौर, मंडी, इसमें बताना है हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला है जो भरमौर जनजाति का निवास स्थान है, आंसर अपने देख लीजिए।
तो राइट आंसर होगा जो हिमाचल प्रदेश, पहली बात तो ये जान लीजिएगा जो चंबा भरमौर जनजाति है वह हिमाचल प्रदेश में निवास करती है, और इसका सही आंसर होगा वो कहाँ पे करती है, हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में, कहाँ पे, चंबा जिले में, ए आंसर राइट है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा भारत का छह खनिज भंडार के नाम से भी जाना जाता है, कौन सा पठार है जो भारत का छह खनिज भंडार के नाम से भी जाना जाता है, सिलोंग का पठार, मैसूर का पठार, दक्कन का पठार या फिर छोटा नागपुर का पठार, छह खनिज भंडार के नाम से जाना जाता है, ठीक है, इसको ऐसे याद रखिएगा, छह लिखा है न्यूमेरिकल में और खनिज भंडार के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर होगा यहाँ पे छोटा नागपुर के पठार को जो है छह खनिज भंडार के नाम से जाना जाता है, किसको, छोटा नागपुर के पठार को छह खनिज भंडार के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय हीरा संस्थान कहाँ पर अवस्थित है, भारतीय हीरा संस्थान अवस्थित है, कई बार पूछा गया है, 2013 आरओ में भी पूछा गया था पहली बार ये, फिर उसके बाद लगातार दो तीन बार पूछा गया था, तो भारतीय हीरा संस्थान अवस्थित है वो है आपका सूरत में, ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, भारतीय हीरा संस्थान कहाँ पे है, सूरत में अवस्थित है, बी आंसर राइट होगा। अब आपको दर्रे और उससे संबंधित राज्य को बताना है, बोमडिला, जलेपला, माना, सीपी किला, ठीक है, बोमडिला दर्रा, जलेपला, माना, सीपी किला, आंसर अपने देख लीजिए, तो बोमडिला जो हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश, आपका जलेपला दर्रा हो जाएगा, जलेपला दर्रा हो जाएगा सिक्किम, और आपका माना दर्रा, माना दर्रा उत्तराखंड, सिपकी जलेपला दर्रा हिमाचल प्रदेश, और सिपकिला दर्रा आपका हो जाएगा सिपकिला दर्रा सिक्किम में, ठीक है। 128 का देख लीजिए कौन सा राइट होगा, देखिए यहाँ पे 2 1 4 3, ठीक है, 2 1 4, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश, जलेपला सिक्किम, माना, देखिए माना, नीति, लिपू लेख ये सब जो है आपके उत्तराखंड के ही हैं, ठीक है, तो बोमडिला आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, जलेपला सिक्किम, माना ये हो जाएगा आपका माना दर्रा उत्तराखंड, और सिपकिला हिमाचल प्रदेश का है, ठीक है, सिपकिला दर्रा आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, तो राइट आंसर होगा आपका 2 1 4 3, ठीक है, 2 1 4 3, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश, जलेपला सिक्किम, माना दर्रा उत्तराखंड, सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए गए हैं, भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए गए हैं, गोदावरी डेल्टा, गंगा डेल्टा, हिमालय और या फिर पश्चिमी तट, आपको बताना है इसमें से भूतापीय ऊर्जा स्रोत किसमें नहीं पाए गए हैं, राइट आंसर क्या होगा अपना देख लीजिए। देखिए तो जो भारत में जो भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए गए हैं वह राज्य होगा आपका, इसमें से होगा गंगा डेल्टा, ठीक है, गंगा डेल्टा में भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, तो देखिए इसमें किसमें इसमें पाए जाते हैं, अगर लिखना है तो आप लिख सकते हैं हिमालय, गोदावरी बेसिन, पश्चिमी तट, खंभात बेसिन, सोनाटा और महानदी बेसिन में ये सब पाए जाते हैं, जबकि गंगा डेल्टा भूतापीय ऊर्जा के स्रोत नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित राज्यों में किसमें अधिकतम औसत ऊर्जा वर्षा, औसत वार्षिक वर्षा होती है, सर्वाधिक मतलब यहाँ पे निम्नलिखित किसमें अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा होती है, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, केरल और या फिर जम्मू कश्मीर, तो औसत वार्षिक वर्षा यहाँ पे राइट आंसर होगा, निम्नलिखित राज्यों में किसमें अधिकतम वार्षिक औसत वार्षिक वर्षा जो होती है वह है आपका राइट आंसर बी, ठीक है, सिक्किम में औसत वार्षिक वर्षा होती है प्रतिवर्ष। देखिए यहाँ पे राष्ट्रीय समुद्री पार्क अवस्थित है, कच्छ की खाड़ी में सुंदरबन, चिल्का झील उपर्युक्त में से कोई नहीं, राष्ट्रीय समुद्री राष्ट्रीय पार्क कहाँ अवस्थित है, कच्छ की खाड़ी में, सुंदरबन में, चिल्का झील में या फिर इनमें से कोई नहीं, समुद्री राष्ट्रीय पार्क अवस्थित है, कच्छ की खाड़ी, सुंदरबन, चिल्का झील उपर्युक्त में से कोई नहीं, ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, समुद्री राष्ट्रीय पार्क जो अवस्थित है वो है कच्छ की खाड़ी में, ए आंसर यहाँ पे राइट होगा, समुद्री राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर अवस्थित है, ये आपका
कच्छ की खाड़ी में, ठीक है। और ये भी जान लीजिए, अगर इसकी स्थापना पूछा जाता है तो 1982 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। समुद्री राष्ट्रीय पार्क जो है गुजरात के कच्छ की खाड़ी में अवस्थित है, और इसकी स्थापना कब की गई थी, 1982 में की गई थी, ठीक। वह 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का सबसे अधिक अनुपात किस राज्य में है, ग्रामीण जन, तो ये ग्रामीण चाहे वो उसमें पूछे, क्या नाम से, एक में पूछेगा, ग्यारह में पूछेगा, प्रतिशत में पूछे या अनुपात पूछेगा, संख्या में पूछेगा, सभी में आपका हिमाचल प्रदेश ही है। राइट आंसर क्या होगा, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी 2016 में प्रश्न पूछा गया था, कई लोगों ने कंफ्यूजन में अनुपात पूछा था तो गलत कर दिए थे, लेकिन राइट आंसर क्या होगा, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। डी आंसर यहाँ पे राइट होगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का सबसे अधिक अनुपात जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। अब देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किसकी शिशु मृत्यु दर सबसे कम है, सबसे कम आपको बताना है। सर्वाधिक मृत्यु दर अगर देखेंगे तो मध्य प्रदेश में है, लेकिन सबसे कम शिशु मृत्यु दर किस राज्य में है, तो आपका देखिए ये वैसे मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व भी कराया था तो बताया था, तो सबसे अधिक जो है शिशु मृत्यु दर सबसे कम कहाँ पे है, केरल राज्य में है। सबसे कम शिशु मृत्यु दर कहाँ पे है, केरल में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार ने राष्ट्रीय विकलांग वित्त निगम की स्थापना निम्न में से किस मंत्रालय के अंतर्गत की है, भारत सरकार ने राष्ट्रीय विकलांग वित्त निगम की स्थापना इनमें से किस मतलब मंत्रालय के अंतर्गत की गई है, ठीक है। आंसर देखिए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, या फिर सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, ठीक है। तो देखिए आंसर अपना देख लीजिए, राइट आंसर होगा कि जो भारत सरकार ने राष्ट्रीय विकलांग वित्त निगम की स्थापना की है वह है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अधीन की है, ठीक है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत भारत सरकार ने राष्ट्रीय विकलांग वित्त निगम की स्थापना की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वन का संवर्ग नहीं है, राष्ट्रीय वन, राष्ट्रीय उद्यम, संरक्षित वन, या फिर ग्राम वन, इसमें से कौन सा ग्राम के वन के अंतर्गत संवर्ग नहीं है, राष्ट्रीय वन, राष्ट्रीय उद्यान, संरक्षित वन, या फिर ग्राम वन। राइट आंसर होगा आपका, तो देखिए राष्ट्रीय वन नीति सबसे पहले जो आई थी 1952 के अनुसार देखेंगे तो वनों के संवर्ग के अंतर्गत संरक्षित वन, राष्ट्रीय वन और ग्राम वन इसको किया गया था, जबकि यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान वन का संवर्ग नहीं होगा, राष्ट्रीय उद्यान वन के संवर्ग के अंतर्गत नहीं आता है, जबकि राष्ट्रीय वन, संरक्षित वन, ग्राम वन के अंतर्गत आता है, जबकि राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका वन के संवर्ग में नहीं आता है, राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार, ठीक है। पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2015 के अनुसार देखेंगे तो भारत के पूरे भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत क्षेत्र वन और पेड़ों से आच्छादित है, अभी बात की जा रही कितने कितना होना है, 33.33% होना चाहिए, लेकिन कितना है यह आपको बताना है। राइट आंसर देख लीजिए, वैसे ये प्रश्न कई बार पूछ लो, 2-3 बार पूछा गया है 2015 के अनुसार, तो होगा आपका, तो पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2015 के अनुसार अगर पूरे भारत के पूरे भौगोलिक क्षेत्र का जो वन प्रतिशत वन और पेड़ों के आच्छादित प्रतिशतता में देखेंगे तो वो हो जाएगा आपका 24.16%, कितना, 24.16%। निम्न क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय उद्यानों सबसे बाद के कालानुक्रम को एक प्रकार से आपको व्यवस्थित करना है कि किसका सब पहले किया गया था और किसको बाद में कालानुक्रम में लगाना है कि इसकी स्थापना कब की गई थी, साइलेंट वैली, जिम कार्बेट, काजीरंगा और कान्हा। तो सबसे पहले जान लीजिएगा कि ये जो जिम कार्बेट है सबसे पहले इसका किया गया था, ये जो जिम कार्बेट आपका एक प्रकार से सबसे पहले इसका 1936 में इसका हैली नेशनल पार्क था, बाद में इसका नाम बदल करके कर दिया गया था जिम कार्बेट। तो सबसे पहले आप देखिए दो कहाँ पे है, अगर दो आपका मिल जाता है तो आपके सही आंसर 2, 4, 3, 1 हो जाएंगे, ठीक है, 2, 4, 3, 1 राइट हो जाएंगे तुरंत। पहले जिम कार्बेट को पहले किस नाम से जाना जाता था, हैली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है, उत्तराखंड में है, ठीक है।
लेकिन इसका स्थापना की गई थी 1936 हाँ 1936 में पहले की गई थी। ठीक, ये एशिया का सबसे पहला वो है। ठीक है, अगर देखा जाएगा तो राष्ट्रीय उद्यान के उसमें एशिया का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान भी माना जाता है। चलिए ठीक है, इसको पहले मिला लीजिए, 4-3-1-2, 2-3-4-1, तो मतलब जिम कार्बेट लिखना है तो आप लिख सकते हैं कि जिम कार्बेट की स्थापना जो थी 1936 में, कान्हा की स्थापना 55 या 56, लेकिन ये कान्हा किस लिए जो है आपका 55, मध्य प्रदेश में 1955 में की गई थी। काजीरंगा एक सिंगी गैंडे के लिए जाना जाता है, इसकी स्थापना 1974 में की गई थी। और साइलेंट वैली जो है आपका यह 1980 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मतलब डी आंसर यहाँ पे राइट है। निम्नलिखित में से कौन जैविक संसाधन नहीं है? शुद्ध जल, कोयला, पेट्रोलियम, मछली। जैविक संसाधन कौन सा नहीं है? शुद्ध जल, कोयला, पेट्रोलियम, मछली, इसमें से कौन सा जैविक संसाधन नहीं है? अपने आंसर चूज कीजिए। तो देखिए, इसमें जैविक संसाधन ये भौतिक संसाधन के अंतर्गत जल आएगा। पर शुद्ध जल क्या है? भौतिक संसाधन है, जबकि कोयला, पेट्रोलियम, मछली ये सब जीवाश्म के अंतर्गत आते हैं इसमें, इसलिए यह ए यहाँ पे जैविक संसाधन नहीं है। ए यहाँ पे वो गलत सुमेलित है और सब सही है। ठीक है, अगर आप देखिए इसमें, अगर जैविक संसाधन किसको कहते हैं ये पहले जान लीजिएगा। जैविक जीव मंडल के किसी जीव या जैविक पदार्थ से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, किसी जीव जैविक संसाधन उसे कहते हैं जो जैव मंडल के किसी जैविक पदार्थ या जीव से कि यहाँ पे बात की जा रही है, जैसे वन है, पशु है, या उनसे प्राप्त कोई भी सामान होगा, पदार्थ हो जाएगा, वो भी आपके जैविक संसाधन के अंतर्गत आता है। जैसे कि आपका पेट्रोलियम, कोयला, ये सब इसी में शामिल किए जाते हैं। जबकि आपका ये जल हो जाएगा, ठीक है, मिट्टी हो जाएगी, सब भौतिक संसाधन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन किसका उपयोग जो है दिया सलाई उद्योग में किया जाता है? दिया सलाई उद्योग में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? पहली बात, उत्तर प्रदेश में अगर पूछा जाता है कि दिया सलाई उद्योग कहाँ पे है, तो फेमस है तो आप बरेली में है, पहले ये जान लीजिएगा। दूसरी चीज़ ये है, रेड फास्फोरस का प्रयोग जो होता है दिया सलाई उद्योग में किया जाता, निर्माण में किया जाता है, क्योंकि जो वाइट फास्फोरस है ये अपने आप ये ऑक्सीजन संपर्क में आने से जल जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसको दिया सलाई उद्योग में किसका प्रयोग करते हैं? रेड फास्फोरस का। सी आंसर राइट है। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, इसमें बताना है, स्व प्रतिरक्षित रोग, आनुवंशिक रोग, पामा रोग और मानसिक। तो तुरंत आप आनुवंशिक रोग, क्षय रोग लिखा टीबी, ये जबकि ये एकदम गलत सुमेलित है। क्षय रोग आपका आनुवंशिक रोग नहीं है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु से होता है, इसलिए यही गलत है। ठीक है, स्व प्रतिरक्षित रोग जो है संधिवात, संधिशोथ, ये राइट है। पामा रोग चिंचड़ी, मानसिक रोग मनोविदलता, ये भी राइट है, जबकि अनुवांशिक रोग छह रोग लिखा, यह गलत सुमेलित है। सांप के जहरीले विष दंत होते हैं रूपांतरित किसके? चबुकांस्थि दंत के, तालु दंत के, स्वानीय दंत के या जांभिका दंत के। सांप के जहरीले विष दंत किसके में रूपांतरित होते हैं? चबुकांस्थि दंत के, तालु दंत के, स्वानीय दंत के या जांभिका दंत के। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा, जो सांप के जहरीले विष दंत होते हैं वह जांभिका दंत के ही रूपांतरित रूप हैं। ठीक है, अब इसका मतलब डी आंसर यहाँ पे राइट है। मच्छरों के बारे में निम्न में से कौन सा विचार, ये आप मतलब विचार कीजिए, इसमें से आपको बताना है कौन सा सही है। मच्छरों के बारे में ये बताना है कौन कौन सा सही है। ठीक है, अपने आंसर देख लीजिए, केवल नर रक्त चूसते हैं, केवल मादा रक्त चूसती है, मादा पौधों का रस चूसती हैं, मादा की अपेक्षा नर के डैने बड़े होते हैं, नर की अपेक्षा मादा के डैने बड़े होते हैं। तो देखिए, 4-5 जो है उनमें से तो एक ही होगा, क्योंकि या तो मादा का होगा या तो नर का होगा, तो इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो उसमें से एक होगा। तो ये पहले देख लीजिए कि जिसमें जिसमें 4-5 होगा तो वो आपका तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। देख लीजिए अपने आंसर, पहले चूज़ कर लीजिए, मैं बताती हूँ। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 और 5, यहाँ पे सही है, केवल नर रक्त चूसते हैं। ठीक है, और नर की अपेक्षा मादा के डैने बड़े होते हैं। ठीक है, केवल नर रक्त चूसते हैं और
नर की अपेक्षा मादा के डैने बड़े होते हैं एक सॉरी और केवल मादा रक्त चूसती हैं और नर की अपेक्षा मादा के डैने बड़े होते हैं। डी आंसर राइट है कि यहाँ पे 2 और 5 सही है, केवल मादा रक्त चूसती हैं और इनके नर की अपेक्षा मादा के डैने बड़े होते हैं, इसलिए आप याद कर लीजिए कि नर की अपेक्षा मादा के डैने बड़े होते हैं इसलिए ये केवल मादा ही रक्त चूसती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हड्डियों में उपस्थित यौगिक सिरका में उपस्थित अम्ल दूध का खट्टा होना फलों का पकना किसके किसके कारण होता है। देखिए इसमें या एथिलीन गैस अभी पूछा गया था फलों को पकने के लिए किसका, ये अभी मेंस का प्रश्न था, तो आप चाहे ऐसे सॉल्व करिए चाहे एक प्रश्न सॉल्व करिए आपके कई प्रश्न बन रहे हैं। हड्डियों में जो उपस्थित यौगिक होता है, आप पहले देखिए कि सिरका में उपस्थित क्या होता है, एसिटिक एसिड, दूध का खट्टा होना मैंने बताया था, लैक्टिक एसिड के कारण दूध खट्टा होता है और फलों के पकने के लिए एथिलीन आवश्यक होती है, तो इसका मतलब हड्डियों में उपस्थित यौगिक है वो कैल्शियम फास्फेट। ठीक है, तो 4 हो जाएगा 4 3 1 2 डी आंसर यहाँ पे राइट होगा। हड्डियों में उपस्थित यौगिक कैल्शियम सल्फेट, सिरका में उपस्थित अम्ल वो एसिटिक एसिड, दूध का खट्टा होना लैक्टिक एसिड, ठीक है, और फलों का पकना एथिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसका उपयोग विस्फोटक के उत्पादन में किया जाता है, ग्लिसरॉल, मिथेनॉल, यूरिया या फिर ऑक्सैलिक एसिड, किसका उपयोग जो है वो विस्फोटक बनाने में किया जाता है। देखिए आंसर चूज करिए, ग्लिसरॉल, मिथेनॉल, यूरिया या ऑक्सैलिक एसिड का प्रयोग किस में किया जाता है विस्फोटक बनाने में, तो इनमें से जो है विस्फोटक के उत्पादन में किया जाता है ग्लिसरॉल का प्रयोग जो है विस्फोटक बनाने में किया जाता है, ये आंसर यहाँ पे राइट है। ठीक है, अब ये भी जान लीजिएगा ग्लिसरॉल एक जो है कार्बनिक यौगिक है। ठीक है, अब ये भी इस टाइप के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि ये क्या है, एक कार्बनिक यौगिक है। ठीक है, और यहाँ पे और ये जैसे इससे पहले भी मैंने बताया TNG और TNG ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन जो होते है उसको एक नोवेल गैस के नाम से भी जाना जाता है, वो यही इससे ही प्राप्त होता है। ठीक है, बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिपिड्स का पाचन निम्नलिखित में से कुछ की उपस्थिति में होता, पित्त अम्ल, लाइपेज, पेप्सिन, इनमें से कौन सा राइट है। ठीक है, लिपिड्स का पाचन निम्न में से किस उपस्थिति में होता है, पित्त अम्ल, लाइपेज या पेप्सिन, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका, लिपिड्स का जो पाचन होता है निम्न में से उपस्थिति के होता है पित्त अम्ल और लाइपेज की उपस्थिति के कारण लिपिड्स का पाचन होता है। ठीक है, पित्त अम्ल और लाइपेज के कारण क्या होता है, पित्त ये लिपिड्स का पाचन होता है। गैसोहॉल किसका किसका मिश्रण है, गैसोहॉल किसका मिश्रण है, गैसोहॉल किसका मिश्रण है, ये मैं बता चुकी हूँ, वैसे राइट आंसर होगा गैसोलीन और इथेनॉल के मिश्रण से गैसोहॉल प्राप्त किया जाता है। मीथेन की उपस्थित किस वायु किस मतलब ग्रह पे है, चंद्रमा, सूर्य, मंगल, बृहस्पति, मीथेन की उपस्थित निम्न में से इसमें से किस ग्रह पे है, तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर जो होगा मीथेन गैस की उपस्थिति जो है किसके वायुमंडल में है, राइट आंसर होगा बृहस्पति के। ठीक है, बृहस्पति के। श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है ADP के रूप में, मतलब एडिनोसिन डाइफॉस्फेट या एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट या NADP, ठीक है, न्यूक्लियर एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के रूप में या कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। ठीक है, श्वसन में जो ऊर्जा उपस्थित होती है वह किस रूप में होती है, देख लीजिए अपने आंसर चूज कर लीजिए, तो देखिए जो श्वसन से ऊर्जा प्राप्त होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में होती है। ठीक है, श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है किसमें, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में। ठीक है, बी आंसर राइट होगा। विटामिन B12 निम्न में से कौन सी धातु में मौजूद होती है, कबाल्ट, लौह, जस्ता, मैग्नीशियम, विटामिन B12 निम्न में से किस धातु में मौजूद होती है, कबाल्ट, लौह, जस्ता, मैग्नीशियम, राइट आंसर होगा विटामिन B12 जो है निम्न में से जो धातु मौजूद होती है कोबाल्ट में। ठीक है, कोबाल्ट, साइनोकोबालामीन इसको कहते हैं। ठीक है, ये आंसर राइट है। अधोलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है, इसमें से आपको बताना है कौन सही सुमेलित नहीं है, पायरीन, सल्फर डाइऑक्साइड, फ्रेयॉन, फ्लोरीन। ठीक है, इसमें से पायरीन अग्निशमन के रूप में प्रयोग करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा, फ्रेयॉन प्रशीतक
और फ्लोरीन फ्लोरीन युक्त बहुलक, इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो देखिए राइट आंसर यहाँ पे होगा पायरीन जो है अग्निशामक के रूप में प्रयोग किया जाता है। राइट है सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा में, यह भी के लिए उत्तरदायी होता है। फ्रियॉन जो है फ्रिज वगैरह में प्रशीतक के रूप में प्रयोग करते हैं, जबकि फ्लोरीन आपका दिया है यह फ्लोरीन युक्त बहुलक है, यह गलत है। ठीक है, डी आंसर यहाँ पे गलत सुमेलित है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये हुआ हम लोगों का 150 प्रश्न। ठीक है, आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग हमारे साथ सॉल्व कर रहे हैं, और मैं इसीलिए इतना ज़्यादा वो एफर्ट लगाती हूँ कि आपको एकदम प्रश्न देना ही देना है। डेली हम लोग इसको अब धीरे धीरे इसके संख्या को भी बढ़ाएंगे, क्योंकि 50 प्रश्न हो रहे हैं, मुझे और भी एटलीस्ट 25% सेकेंड मीटिंग में भी मैं कर दूंगी। 75% हम लोग सॉल्व करेंगे, 25 क्वेश्चन जो होंगे हमारे करेंट अफेयर्स के होंगे, और 50 क्वेश्चन हमारे जीएस के होंगे। ठीक है, तो कल से मैं कोशिश करूंगी करंट अफेयर्स के भी प्रश्न अपलोड करने का। आप लोग से बस यही उम्मीद है, आप लोग पढ़िए, क्योंकि पढ़ना बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, एग्ज़ाम में यही सबसे बड़ा आपका अस्त्र होगा। ठीक है, नॉलेज बहुत ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा, जिससे कि आपको जैसे ही वीडियो अपलोड होगी आपको के पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगी। धन्यवाद।